Harshdeep Singh, chairman, Jammu and Kashmir National Panthers Party and former minister today said that the government of India and state administration had made the most contemptuous mockery of democracy in the state by not taking any decision with regard to holding of assembly elections in J&K even in fifth consecutive meeting of Election Commission of India. Elections ko lekar meeting to bar bar ki ja rahi hai. लेकिन नतीजा कोई नहीं आ रहा है. पांच मीटिंगें अब तक इलेक्शंस को लेकर हो चुकी. जनवरी में मीटिंग हुई, उसके बाद फुल कमीशन ने जम्मू कश्मीर में दौरा किया, फिर इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को यहां बुलाया गया, फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी को यहां बुलाया गया दिल्ली, और कल एक बार फिर फुल कमीशन ने मीटिंग की, लेकिन कोई भी नतीजा जो है वो इलेक्शन के बारे में नहीं निकला. ऐसा लगता है कि ये मीटिंग्स लोगों को दिखाने के लिए की जा रही हैं, मिसलीड करने के लिए की जा रही हैं, और फ्रिवलस ग्राउंड्स के ऊपर चुनाव को यहां टाला जा रहा है. कभी यह कहा जाता है कि सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, कभी यह कहा जाता है कि रमजान का महीना आ रहा है, कभी यह कहा जाता है कि अमरनाथ जी की यात्रा आ रही, कभी यह कहा जाता है कि टूरिस्ट सीजन है, कभी यह कहा जाता है कि नोमैड्स अब पहाड़ियों में चले गए हैं और वो नवंबर तक वापस आने वाले नहीं है, कभी कहा जाता है बरसात का मौसम शुरू होने वाला, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है. इस किस्म के फ्लिमजी ग्राउंड्स के ऊपर आज तक चुनाव को कभी भी रोका नहीं गया. ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि ऐसे बहानेबाजी लेकर लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित करने की एक कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर गलत है. हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहना चाहते हैं और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की एक्सपीडियंसीज को देखकर फैसला मत लीजिए. आपको कानून के मुताबिक फैसला लेना है. संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहां भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो वहां 6 महीने के अंदर अंदर आपको सरकार का गठन करना है चुनाव करवा के. लेकिन जिस तरीके से आप लगातार इनको टाल रहे हैं और बार बार हर मीटिंग में एक बहाना जो है वो नया निकल के आता है, ऐसा लगता है कि लोगों को अपने अधिकारों से वंचित किया करने के लिए ये सारी बहानेबाजी जो है वो की जा रही है. इसके लिए आपको जम्मू कश्मीर के आवाम को और हिंदुस्तान के आवाम को जवाब देना होगा. और पैंथर्स पार्टी ये कहना चाहती है कि अगर चुनाव की घोषणा नहीं होती है, लोगों को अपने जमहूरी अधिकार जो है वो बहाल करने के लिए फैसला नहीं लिया जाता है, तो जम्मू और कश्मीर के अंदर और दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर जाकर पैंथर्स पार्टी प्रदर्शन करेगी और यहां जमहूरियत बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी.